नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशल अजरा और आप देख रहे हैं एचकेएल चैनल। और एचकेएल चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो आजकल की दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बन सकता है। दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा हमारे आसपास की सारी देशों की अब एक ही दहशत बन के रह चुका है, एक कोरोना वायरस। हाँ जी दोस्तों, कोरोना वायरस के लिए एक दहशत बन चुका है। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस के बारे में बताया जाए तो कोरोना वायरस के जो पहली चीज़ आता है वो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहा तो कोरोना जैसा जानलेवा बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही में। दोस्तों अगर आपका इम्यूनिटी वीक होगा तो कोरोना जैसा जानलेवा बीमारी आपको तुरंत अटैक हो सकती है, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम परफेक्ट है यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो कोरोना जैसा जानलेवा बीमारी भी आपसे हार मान जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इम्यूनिटी की बात किया जाए तो पहले जो चीज़ आता है वो है गिलोय, जिसे इम्यूनिटी के बाप कहा जाता है। और दोस्तों गिलोय के बारे में अधिक जानकारी मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों ये गिलोय एक ऐसा चीज़ है जिसे आयुर्वेद में इम्यूनिटी के बाप कहा जाता है। तो दोस्तों ये गिलोय आपको मिलेगा कहाँ, ये भी बात आती है। दोस्तों आप सभी को शायद पता नहीं है ये गिलोय कितना लाभदायक होता है। दोस्तों ये गिलोय आपका घर के आसपास झोप झाड़ियों में भी ये गिलोय आसानी से मिल सकता है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि यही गिलोय है, यही आपको बहुत काम में आएगा। तो दोस्तों ये गिलोय जो चीज़ होता है ये एक बहुत अच्छा चीज़ होता है दोस्तों। ये खाने में थोड़ा आपको तकलीफ होगा क्योंकि ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कोरोना से छुटकारा आप लेने चाहते हो तो गिलोय ज़रूर आप खाइए। गिलोय से क्या होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना बढ़ जाता है कि अगर आपका कोई स्किन डिजीज होती है या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम स्किन की वो भी ठीक हो जाता है। दोस्तों गिलोय इतना लाभदायक होता है, गिलोय इतना काम तो कर लेता है इम्यूनिटी सिस्टम का आपको शायद पता होगा, लेकिन गिलोय और भी कामों में आता है दोस्तों। जैसे कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपका यूरिक एसिड है या आपकी घुटने में दर्द या और सारी चीज़ों में जैसे स्किन की प्रॉब्लम और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ बहुत अच्छा है, वो है गिलोय। और गिलोय आपको मैंने बताया, आप कोई भी आपको फ्रेंड से या फिर आप अपना नज़दीकी कोई भी रिलेटिव से पूछ लीजिए, वो शायद आपको बता देगा यह गिलोय कहाँ मिलेगा। ये आप देख लीजिए, ऐसे दिखने में होता है गिलोय। और दोस्तों अगर आपको नहीं मिला कहीं भी ये पेड़ आपको नहीं मिला तो फिर आपको क्या करना होगा, आप खा सकती है ये गिलोय घनबटी जो पतंजलि के बना हुआ है, ये आप खा सकते हैं। इसका प्राइस है 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में ये आपसे 60 टैबलेट आपको देगा। तो दोस्तों 60 टैबलेट आप खा सकती है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है मेरे लिए और शायद आप लोगों के लिए भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर ये एफोर्ड नहीं कर सकते तो जल्दी से आप घर में गिलोय पोत लीजिए। गिलोय से आप क्या होगा, गिलोय रोपण करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपका जो मानी भी सेव हो जाएगा और दूसरी जो चीज़ है वो आए आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगा। और क्योंकि दोस्तों आपको शायद पता होगा नेचुरल की चीज़ों के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होती है। और दूसरा एक चीज़ होता है वो है गेहूँ यानी कि व्हीट ग्रास। दोस्तों वो भी बहुत लाभदायक होता है इम्यूनिटी के लिए, वो भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। दोस्तों आपको शायद पता नहीं है तो मेरे वीडियो देख सकते हैं, मेरे गेहूँ के ऊपर एक वीडियो बना के रख दिया, आप ये ऊपर लिंक में क्लिक कर सकती है और जाके देख लीजिए, मैंने पहले ही बना के रख दिया एक गेहूँ के ऊपर एक वीडियो। अब दोस्तों बारी आते हैं इसको कैसे सेवन करें, तो दोस्तों इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों गिलोय जो है आप अगर ये टैबलेट खाना चाहते हैं तो दिन में एक एक बार खाने के पहले एक एक गोली आप खा लीजिए। अगर आपको ये पेड़ मिल गया तो फिर आप एक काम कीजिए, इसका एक एक पीस करके ऐसा छोटा छोटा पीस करके इसका जो डांट है उसका छोटा छोटा पीस करना है और रात में इसे पानी में भिगाना है और सुबह में इसको आपको छिड़क के खाना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बन सकता है दोस्तों। और कोरोना को लेके बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसा चीज़ है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग रहा तो आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, दूसरा आप मास्क और ग्लव्स दोनों यूज़ करिए और बाहर निकल रही है आप
तो प्लीज़ सैनिटाइज़र यूज़ करिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये चार चीज़ अगर आपको ठीक रहा तो करने से डरने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो इतना ही था। अगर अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको एक गिलोय की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा ये कहाँ मिलेगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा ये कहाँ मिल जाएगा। आपका नज़दीक के कोई भी शॉप, इंडिया के रहने वाले हो तभी आप मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।